नमस्कार दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक सेक्टर का एक शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। बैंक सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक रिलीज करता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। स्टॉक ने मोमेंटम अच्छा बनाया है। 1890 रुपए से स्टॉक का प्राइस 1810 रुपए पर तो हाई छुआ है दोस्तों। यानी कि स्टॉक में फिर भी 10 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी करने देखने को मिली है। और दोस्तों 0.70% की स्टॉक में गिरावट फिर भी देखने को मिल रही है। 13 रुपए 25 पैसा का यहाँ पर गिरावट मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पर लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एक सप्ताह के अनुसार, तो यहाँ पर एक सप्ताह की बात करें वीकली एनालिसिस के साथ, तो स्टॉक में 49 रुपए का प्रॉफिट है। 2.67% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी खासी मोमेंटम के साथ स्टॉक यहाँ पर बना सकता है प्रॉफिट। अब स्टॉक की मोमेंटम स्टॉक सपोर्ट के साथ हाई मोमेंटम बनाने के साथ संभावनाएं बना सकता है। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट होती है तो यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट 1890 और 1890 तक बनने की संभावनाएं बन सकती है। बात करें मंथली की तो स्टॉक का हाफ साइड मोमेंटम बना हुआ देखने को मिल रहा है। 8.89% का रिटर्न 1 महीने के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। 155 रुपए का प्रॉफिट है 1 ईयर के साथ। अच्छी खासी मोमेंटम के साथ स्टॉक देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम के साथ बहुत ही अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। बाजार में इस समय बहुत ही अच्छा खासे स्टॉक भारी बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आज की डेट में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है दोस्तों। टू डेज लो की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1890 रुपए देखने को मिला है। टू डेज हाई 1917 रुपए और 52 सप्ताह का लो यहाँ पर देखने को मिला है 1643 रुपए। 52 सप्ताह का हाई 2064 रुपए देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो 24,040,170 यहाँ पर वॉल्यूम्स यहाँ पर हुई है। बाय एंड सेलिंग की 50% इस स्टॉक में बायर्स हैं, होल्डिंग 39%, सेलिंग 11% देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 14% और कंपनी यहाँ पर डेप्ट फॉर इक्विटी देखने को मिल रही है, यानी कि डेप्ट टू इक्विटी है NA, यानी कि नहीं। कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी की ईयरली की बात करें तो कंपनी 14,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर स्टॉक ने किया है दोस्तों 2023 में, तो यहाँ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। कंपनी नेट वर्थ भी यहाँ पर बढ़ी है। बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना, उसे तय करके अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश की जगह मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।